Friends, I hope all are you fine. Myself is Surendra Pal, your chemistry lecturer from Ramda Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, class 12, subject chemistry, chapter 4, chapter name is electrochemistry, part 2. Dear students, the previous video I discussed EMF of a cell and depends numericals. Today I discuss Nernst equation. Okay, so dear students, what is a Nernst equation? If relates electrode potential with the concentration of ions first up the reduction potential increase increase with the increase electrochemical electrochemical reaction of the type. So, dear students, A plus B arrow so agle C plus D. Okay. So, dear students, small a, small b, small c and small d और एरो के ऊपर लिखेंगे एन ई एन यानी इलेक्ट्रॉन है फॉर नेक्स्ट इक्वेशन E cell is equal to E standard here not cell minus RT upon small NF in concentration C D concentration small d upon A concentration small a and reactant B concentration B. Okay. New line से E cell is equal to E naught cell minus 2.303 upon NF यहाँ पर RT log product C concentration C product D concentration D upon reactant A concentration A B reactant or concentration B. So, dear students, where E cell is equal to
इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशन E नॉट सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल R इक्वल टू गैस कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू होती है डी स्टूडेंट्स 8.314 जूल पर केल्विन मोल इनवर्स टी इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन नेक्स्ट स्टडी स्टूडेंट्स स्मॉल एन इजल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एफ इजल टू फैराडे कॉन्स्टेंट एफ की वैल्यू होती है स्टूडेंट 96500 कूलाम मोल इनवर्स ओके डे स्टूडेंट्स न्यू लाइन से सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ऑफ आर एफ एंड टी आर कॉमा एफ एंड कैपिटल टी कितने लगेगी कैपिटल टी 298 केल्विन ओके तो ई सेल इजल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 अपॉन एन इंटू 96500 इंटू आर की वैल्यू डी स्टूडेंट्स 8.314 इंटू टी की वैल्यू 298 लॉग सी कंसंट्रेशन सी डी कंसंट्रेशन स्मॉल डी अपॉन ए स्मॉल ए एंड बी स्मॉल बी ई सेल इज इक्वल टू ई सेल E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन स्मॉल एन लॉग सी डी अपॉन ए एंड बी दिस टॉपिक इज कंप्लीट न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेट ई नॉट सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस ए प्लस बी पर प्लस के टू चार्ज हैं इसकी वैल्यू दी है 0.001 एम एरो एरो से अगले ए की ए पर प्लस के टू चार्ज हैं प्लस वी है ए की वैल्यू दी हुई है गिवन सेल्स इसकी वैल्यू ये दी हुई डियर स्टूडेंट्स और एफ की वैल्यू है और सॉल्वड फॉर नर्स्ट इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स ई सेल
इजिकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 अपॉन एन आएगा डी स्टूडेंट्स, एन फॉर्मूला एन लॉग लॉग एनोड अपॉन कैथोड एनोड अपॉन कैथोड पुट अप दिस वैल्यू ई सेल हमें दी हुई वैल्यू ई सेल की तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई सेल प्लस 0.0591 अपॉन स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 2 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं स्मॉल एन की वैल्यू 2 है। लॉग एनोड अपॉन कैथोड, एनोड और कैथोड की वैल्यू 0.00001 अपॉन 0.001। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसे 0.001 एम है, 0.00 से 0.00 कट किया डियर स्टूडेंट्स, एक जीरो नीचे बढ़ाए गए ऊपर 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 और 1, 4। ओके डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 2.68605 प्लस डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो वैल्यू आएगी 0.02955 लॉग 10 बेस पावर माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स 2.6805 माइनस 0.02955 इजल टू 2.6510 वोल्ट आंसर। टॉपिक इज कंप्लीट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एडिशन, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। रिएक्शन दी हुई है डियर स्टूडेंट्स और इसकी वैल्यू दी हुई है, तो देखिए द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन आर हाफ रिएक्शन आर तो एन आई एरो एन आई पर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 ई नेगेटिव एट एनोड। नेक्स्ट रिएक्शन है 2 ए जी पॉजिटिव प्लस 2 ई नेगेटिव एरो 2 ए जी एट कैथोड। एनोड एंड कैथोड हो गए फॉर नेक्स्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन स्मॉल एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। पुट अप दिस वैल्यू 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टूडेंट्स लॉग एनोड एंड कैथोड को देखिएगा, एनोड हमारा क्या है एन आई है और कैथोड ए जी है। एन आई पर प्लस के 2 अपॉन ए जी पर प्लस के 2। ओके फिर नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स 1.05 माइनस पुट अप दिस इसकी वैल कैलकुलेशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स या 0.0591 अपॉन 2 लॉग पुट अप दिस वैल्यू 0.16 अपॉन 0.002 का होल स्क्वायर
ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 डिस्टेंस लॉग 4 इंटू 10 की पावर 4 नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1.05 माइनस इसकी वैल्यू देखिए 0.0591 अपॉन 2 लॉग 4 प्लस 4 log 10 log 10 इज इक्वल टू 1 ओके तो डियर स्टूडेंट्स 4 log की वैल्यू होती है 1.05 माइनस 0.059 डियर स्टूडेंट्स सबको इसको डिवाइड कर दें डिवाइड करने पर वैल्यू आएगी 0.02955 इंटू लॉग 4 की ये 4 रहेगा प्लस में ये करेंगे लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6020 ओके तो डियर स्टूडेंट्स 1.05 माइनस 0.1360 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.914 वोल्ट आंसर दिस टॉपिक इज कंप्लीट नेक्स्ट हेडिंग है डियर फ्रेंड्स कोलराउश लॉ दिस लॉ इज प्रपोज्ड बाय कोलराउश इन 1876 अकॉर्डिंग टू दिस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन when the dissociation dissociation is complete each ion of the electrolyte make a definite contribution of its own towards the molar conductivity of of the electrolyte and it is quit independent of presence
प्रेजेंस ऑफ द अदर अदर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शंस डेफिनेशन देखिए द मोलर कंडक्टिविटी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट इन्फिनाइट डाइल्यूशन डाइल्यूशन इज द सम ऑफ इज द सम ऑफ द आयोनिक आयोनिक कंडक्टिविटीज conductivity of the cation and anion anion each multiplied multiplied with the number of the ions present in one formula unit unit of that electrolyte okay formulas dekhiye dear students molar concentration at infinite is equal to molar conductivity at infinite anode प्लस कैथोड इनको क्या कर दिया हमने ऐड दिस टॉपिक इज कंप्लीट नई लाइन से देखिए यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और दूसरी यूनिट देखिए ओम इनवर्स इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ओके डियर स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।